Hi everyone, my name is Ritwik Sharma. मेरे आठ बैंड आए आइल्स विच मेरा इंडिविजुअल स्कोर रीडिंग ते लिसनिंग विच 8.5 सीगा ते फिर स्पीकिंग ते राइटिंग विच 7 सीगा ते सब आई फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू स्कोर दिस मच लाइक रीडिंग सब तो औखी नहीं सी मेरे लिए पर प्रैक्टिस की लोड हैगी सी उहदे वास्ते बिकॉज इट रिक्वायर स्पेस so I got a strategy that one must do two readings in a day and that was the thing I followed then ali main bhi dekha ki jehdi mistakes main reading vich banai karda si oh main improve karan so that ki main apni next reading vich improve kar sakan te sab to toughest section jehda si mere layi oh writing siga kyunki different parameters sige jide basis te score milde hai te मैं बहुत वधिया नहीं सी राइटिंग विच लाइक आई नीडेड टू वर्क ऑन कोहरेंस एंड कोहिजन ऑलसो ते वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी सी ते व्हाट आई फॉलोड दैट आई नीडेड टू ऐड वर्ड्स एवरीडे इन माय वोकैबुलरी ऑलसो इट हेल्प्ड इन माय स्पीकिंग ऑलसो बिकॉज बोथ वर समवेयर समवट लिंक्ड इन बिटवीन दैम ते स्पीकिंग विच मैं ईडीएम्स भी ऐड करने की कोशिश करता सीगा कि मेरे बैंड स्कोर जड़े वध सकन क्योंकि इन्हां दे ईडीएम्स वगैरह ऐड करन दे भी एक डिफरेंट बैंड हुंदे ने ते जे कोई ऐड करदा ते उहदे बैंड वध सकदे ने ते लिसनिंग मेरे वास्ते सब तो सौखा सैक्शन सीगा क्योंकि इहदे विच कॉन्सेंट्रेशन चाहीदी हुंदी सी ते बस सुन के ते आंसर लिखने सीगे ते व्हाट आई डिड वाज आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रीडिंग ते जड़ी मिस्टेक्स मैं रीडिंग विच लिसनिंग विच करता सीगा ओ मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता सीगा अपनी नेक्स्ट लिसनिंग विच ते दो री सुनदा सीगा और सेम टेप नू सो दैट कि आई गेट द थिंग दैट आई मिस्ड एंड इम्प्रूव दैट एवरी डे ते ऐही चीज जड़ी सीगी ओ मेरा कॉन्फिडेंस वधा देंदी सी पर कई बार हुंदा कि मतलब बैंड स्कोर जिहड़े अड़ जांदे कि जिवें 6 तों लैके 6.5 बैंड्स दे विच मैं फसे होया सी बहुत टाइम तों ते व्हाट आई डिड वाज दैट आई डिडंट लूज कॉन्फिडेंस इन माई सैल्फ ते आफ्टर सम टाइम इट ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड ते एग्जाम टाइम ते मैं पूरा कॉन्फिडेंस सीगा कि चलो जो भी गा ते मतलब जो इम्प्रूव हो गया वा पर आई नीडेड टू फोकस ऑन द एग्जाम टाइम ओनली तो दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट आई फॉलोड